अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, बिहार का कास्ट सेंसस आ गया है। कास्ट के बेसिस पे जो जनगणना की गई है उसका रिपोर्ट आ गया है। 216 पेजों का डिटेल्ड रिपोर्ट अभी ये कल लॉन्च हुआ है। इससे पहले 2 अक्टूबर को एक छोटा सा रिपोर्ट लॉन्च हुआ था जिससे कि ऊपर ऊपर से आपको पता लग जाएगा, पर अभी 216 पेज का वाइडर रिपोर्ट लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों, इस वीडियो में इस रिपोर्ट को थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। तो पूरे बिहार में 94 लाख फैमिली ऐसी है जो कि पूरे महीने में 6,000 से कम रुपए कमाती है। यानी कि दोस्तों, एक फैमिली जिसमें कितने भी लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 3 बच्चे, माता पिता, कुछ भी हो सकते हैं, वो पूरी फैमिली मिलके 6,000 से कम कमाती है, जो कि पूरे बिहार का 35% है। यानी पूरे बिहार का 35% फैमिली 6,000 से कम रुपए कमाता है। टोटल फैमिलीज पूरे बिहार में करीब करीब आप मान सकते हैं 2,70,00,000 के आसपास है, जिसमें 94 लाख 6,000 से कम रुपए कमाते हैं। और दोस्तों, सिर्फ 3.9% फैमिलीज ऐसी है जो कि महीने में 50,000 रुपए कमाती है। ये कोई एक इंडिविजुअल नहीं, पूरी की पूरी फैमिली मिलके कमाती है 50,000 रुपए, और ये सिर्फ 3.9% है बिहार का। अब दोस्तों, इसी इनकम रिपोर्ट को हम कास्ट बेस्ड तरीके से थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट कास्ट बेस्ड है तो कास्ट बेस्ड तरीके से देखना पड़ेगा इस वीडियो में। तो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उसमें से 42% जो SC लोग हैं वो 6,000 से कम पैसे कमाते हैं, SC फैमिलीज। इसके अलावा 42.7 ST फैमिली, शेड्यूल ट्राइब फैमिलीज, 6,000 से कम कमाती है। 33.5% जो EBC है, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इनमें 33% जो लोग हैं, जो फैमिली है, वो 6,000 से कम कमाती है। अगर दोस्तों हम OBC देखें, अदर बैकवर्ड कास्ट देखें, बैकवर्ड क्लासेस देखें, तो 33% इनमें 6,000 से कम कमाते हैं। और जनरल कैटेगरीज जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय सब आ जाते हैं, उनमें 25% जो फैमिलीज है वो 6,000 से कम कमाते हैं। जनरल कैटेगरी में भी सबसे गरीब है जो भूमिहार होते हैं। भूमिहार में 27% लोग 6,000 से कम कमाते हैं। और OBCs में सबसे गरीब है यादव। यादव में 35% जो यादव परिवार है वो 6,000 से कम कमाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट के डाटा की। तो बिहार के 67% जो लोग हैं वो पैसा अर्न नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, उसमें से ज़्यादातर हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स हैं। हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स काम तो करते हैं पर पैसा अर्न नहीं करते, जैसे कि घर का काम करते हैं तो उस पर पैसे तो मिलते नहीं है, तो बिना अर्निंग वाले काम करते हैं। यानी 67.2% बिहार के लोग पैसा नहीं कमाते हैं। और दोस्तों, जो लोग पैसा कमाते हैं, नौकरी या बिजनेस करते हैं, उसमें से 1.57% लोग, यानी करीब करीब 20 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। 1.22% लोग, यानी कि करीब करीब 15 लाख लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी किसी बड़ी कंपनी में। इसके अलावा 7.5% लोग, यानी करीब करीब 1 करोड़ लोग जो है बिहार में, वो फार्मिंग और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। और दोस्तों, बिहार की ज़्यादातर अर्निंग पॉपुलेशन, यानी 16% अर्निंग पॉपुलेशन जो कि 2 करोड़ से ऊपर है, वो वर्कर्स और लेबरर्स है। इस रिपोर्ट में माइग्रेशन के ऊपर भी डिटेल में डेटा दिया गया है। पूरे बिहार से 50 लाख लोग दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4-5% बिहारी लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। अब थोड़ा एजुकेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो बिहार में सिर्फ 6.5% लोग ही ग्रेजुएट्स है। इसके अलावा 22.5% लोगों ने फर्स्ट से लेके 5th तक की पढ़ाई की है, 14% लोगों ने सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की है, और 14% लोगों ने ही हाई स्कूल पास किया है। अगर दोस्तों ग्रेजुएट्स की रेशियो की बात करें तो 14.5% जनरल कैटेगरीज से ग्रेजुएट है, 9% OBCs से है, 4.5% एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस से है, 3% के करीब SC और 3.5% ST लोग ग्रेजुएट है। दोस्तों, इस डेटा में कुछ और चीज़ें दी गई है, जैसे कि लैंड ओनरशिप, लैपटॉप विद इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट, और व्हीकल ओनरशिप। तो व्हीकल ओनरशिप की बात करें तो 96% बिहार के लोगों के पास कोई भी व्हीकल नहीं है।
वहीं पे 0.44% बिहार के लोगों के पास फोर व्हीलर है और 3% बिहार के लोगों के पास टू व्हीलर है। अगर दोस्तों हम लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करें तो बिहार के 22% लोगों के पास लैपटॉप है, पर उसमें से सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जिनका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट है, यानी कि सिर्फ 1% लोग ही लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं बिहार में। अगर दोस्तों हम हाउसिंग की बात करें तो 36.76% बिहार के लोग टू रूम या फिर टू रूम से ज़्यादा के घरों में रहते हैं, पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि करीब करीब 26.5% लोग बिहार के टिन रूफ वाले एक छोटे से घर में रहते हैं, जिसका छत जो होता है वो टिन का होता है ना लगा हुआ, उसमें रहते हैं। और चिंता करने वाली बात यह है कि 14% बिहार के लोग हट्स में रहते हैं। तो दोस्तों ये था रिपोर्ट का ऊपर से जो मेन पॉइंट्स था वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आशा करते हैं ये रिपोर्ट निकाल के बिहार की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार की कुछ मदद कर पाएगी और कुछ बढ़िया एक्शंस, कुछ बढ़िया प्लान्स लेके आएगी बिहार से इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए। और ऐसे शानदार वीडियोज़ देखने के लिए, इंडिया के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।